दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान की पहली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने किया था। साल 1913 में बनी यह एक ना बोलने वाली फिल्म थी जो हिंदुस्तान की कथाओं में से एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकार मराठी थे, इसलिए इसे मराठी फिल्मों की श्रेणी में भी गिना जाता है, जबकि इस फिल्म का निर्माण फाल्के बैनर तले किया गया था। इस फिल्म की पूरी कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म 3 मई को मुंबई के कॉरोनेशन सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को देखने के लिए पहले फेमस और सिलेक्टिव लोग ही पहुंचे थे। उस समय इस फिल्म को बनाने में 10,000 रुपए की लगत आई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, जबकि इसे बनाने में कुल 7 महीने और 21 दिन लगे थे। यह फिल्म 40 मिनट लंबी थी। 21 अप्रैल 1913 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 47,000 रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।